नमस्कार श्रोताओं, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम भोलेनाथ की ऐसी गुफा के बारे में बताएंगे, यहाँ छिपा है कलयुग के अंत का रहस्य। कहाँ है ये गुफा और कलयुग के ऐसे क्या राज छिपे हैं यहाँ, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गंगोलीहाट गांव में स्थित एक पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बताया गया है। यह गुफा भगवान शिव का निवास स्थान बताई गई है। सभी भक्त इस गुफा में आकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यह गुफा पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर स्थित है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर दूरी तय करके पहाड़ी के बीच बसे गंगोलीहाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य या किसी रहस्य से कम नहीं। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दर्ज है। यहाँ पत्थरों से बना एक एक शिल्प तमाम रहस्यों को खुद में समाये हुए है। मुख्य द्वार से आड़ी टेढ़ी फिसलन भरी 80 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है, यहाँ युगों युगों का इतिहास एक साथ आपके सामने आ जाता है। गुफा में बने पत्थरों के ढांचे देश के आध्यात्मिक वैभव की पराकाष्ठा के विषय में सोचने को मजबूर कर देते हैं। अंदर जाने पर आपको दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। गुफा की शुरुआत में ही शेषनाग के फनों की तरह उभरी आकृति पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। इस गुफा में चार खंभे हैं जो चार युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दिखाते हैं। इनमें से पहले तीन आकारों में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, पर कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और उस खंभे के ऊपर छत से एक पिंड नीचे की ओर लटक रहा है जिसके बीच की दूरी बहुत कम बची है। इस गुफा के बारे में यहाँ के पंडितों का कहना है कि 7 करोड़ वर्षों में यह पिंड 1 इंच बढ़ता है और इसके बारे में सभी मानते हैं कि जिस दिन ये पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा ने सबसे पहले देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपाड़ खेला और कलयुग में जगतगुरु शंकराचार्य का 833 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार जन्म हुआ। उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग भी स्थापित किया। इसके बाद राजाओं ने इस गुफा के विषय में जाना और यहाँ आज देश विदेश से कई पर्यटक और भक्त आते हैं। आज तक यहाँ जो भी आया इस गुफा की बनावट को देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। दोस्तों, दुनिया में यही एक ऐसा स्थान है यहाँ पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। यहाँ एक तरफ शिवजी की जटाओं से बहती गंगा की धारा नजर आती है, वहीं अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ से होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का मार्ग भी इसी पाताल भुवनेश्वर गुफा से शुरू होता है। इस गुफा की सुंदरता और भव्यता यहाँ जाकर ही देखी जा सकती है। यहाँ कैसे पहुँचना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। कोई सुझाव हो या शिकायत हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।